नहीं फ्लो तेज है, आवाज पता नहीं मेरी रिकॉर्ड हो रही है नहीं, पर बट फ्लो बहुत तेज है पानी का, बहुत तेज। कितना खूबसूरत नजारा है यार, कितना ही खूबसूरत है। बाइक में अपनी में कूलेंट कम हो गया था तो कूलेंट अगर बारिश अभी तो है नहीं, अगर बारिश ऐसे ही चलती रही कल की तरह तो हमें आज जाने से पहले रेनकोट खरीदने पड़ेंगे और तभी यहाँ से निकला जाएगा। मनाली में बारिश है आगे पता नहीं है या नहीं है, और बाइक में कूलेंट भी कम हो गया तो कूलेंट भी डलवाना है। सामने खड़ी है बाइक, इसका कूलेंट कम हो गया है, होना नहीं चाहिए बट हो गया तो क्या करें, डलवाना पड़ेगा। सो गाइस, इस हीटर ने हमारा इतना काम चलाया, बहुत ज़्यादा। अपना बैग वगैरह पैक हो चुका है अच्छी तरह, ये बैग पैक हो गया है, बस अब बैग उठा के बंजी गोड से बांधना है और यहाँ से फुर फुर करके निकल जाना है। तो सच बताऊँ यार, इतना मज़ा आया ना यार, सच बहुत मज़ा आया। और बाहर का मौसम कुछ इस तरह है। बाइक इज़ रेडी, बिल्कुल अच्छी तरह से बाइक रेडी है, और यहाँ भाई की बाइक, और ये बाइक तो अच्छी अपने रेडी हमेशा की तरह हो ही चुकी है। सो गाइस, इस वी कॉटेज को बाय बाय करने का मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। और ये कुछ ऐसी लोकेशन थी हमारे होटल की, होटल नहीं ये वी कॉटेज है, और यहाँ पे आने का सबका एक ड्रीम होता है कि मनाली जाना, और वो भी अपनी बाइक लेकर जाना। मेरा तो ड्रीम पूरा हो गया है, बट अब मैं आता रहूँगा, मुझे सच बताऊँ मुझे मज़ा। और ये बाइक हमने कुछ इस तरह से बांध लिया है बैग, so guys, वो सामने अपनी बाइक खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं, माल रोड पे बाइक पार्किंग लगा के हम आए हैं माल रोड घूमने, और खाना भी खाना है यार। सो गाइज, ये मेरे पीछे कुछ इस तरह की है मनाली माल रोड, और यहाँ पे भी मैं आज से 10 साल पहले घूमा था फैमिली के साथ अपने, और मास्टर को बोला बाइक पार्किंग लगा के आता हूँ, वो नीचे चले गए, तो वो सामने अपने वहाँ कोने में बाइक पार्किंग लगाई है। और यहाँ देखते हैं ब्रेकफास्ट तो कुछ तो मिल ही जाएगा खाने का, भूख भी लग रही है यार, 11 बज गए हैं और इतना कुछ खाया भी नहीं है। सो अभी आए हम खाना खाने माल रोड पे। सो गाइज, हम हैं बजाज एजेंसी में, इस जगह का नाम पता नहीं क्या है, कपूर ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल तो जगह वो है, जगह का नाम नहीं पता। बाइक में अपनी में कूलेंट कम हो गया था तो कूलेंट डलवाना है, पता नहीं चलती चलती में बिल्कुल कम हो गया है। अभी टेढ़ी खड़ी है, सीधी खड़ी करेंगे तो मिनिमम से थोड़ा सा नीचे है, तो अभी कूलेंट डलवाने आए हैं यहाँ, और बाइक की चैन भी थोड़ी लूज़ थी और चैन भी लूज करवा रहे हैं, कूलेंट मिल जाए यार यहाँ, वरना बाइक ओवर हीट हो जाएगी फिर इंजन पर इफेक्ट पड़ते हैं। फाइनली गाइज, अपनी बाइक स्टैंड पे लग चुकी है और अभी इसमें डले है कूलेंट, अभी दिखाता हूँ कितना, अभी सही बैलेंस पे खड़ी है बाइक, ये देखो मिनिमम पे आ गया यार बिल्कुल ही। अब कूलेंट डलवाएंगे और लगे हाथ, चैन भी ना वो हो गई है बिल्कुल, देखना लूज सी और वो हो गई है, सूख गई है बिल्कुल, चैन लूप भी करवा देंगे इसकी। सो गाइज, बाइक इज़ अ डन, और ये एजेंसी है और काफ़ी अच्छा इनका बिहेव है, और अपना काम भी हो गया यहाँ पे, काम होने के बाद और अब निकलते हैं यहाँ से, बारिश में आने का मौसम हो गया, चलें तो निकल रहे अब। बताओ गाइस कैसी लग रही है अपनी बाइक, और हमने यहाँ से वो बारिश के कपड़े भी ले लिए,
और सामने बादल देखो यार, शिट कितने ही मस्त हो रहे हैं। और ये बंदवाई है, पता नहीं हमें क्या लिखा है, बट जो भी अच्छा लग रहा है। So guys, एक बहुत अच्छी सी लोकेशन मिली तो सोचा आप सबको भी दिखा दूं। हम तो लोकेशन के एंजॉय कर ही रहे हैं तो क्यों ना वीडियो में भी आए दिखाऊं। ये अपनी बाइक है, कितनी ग्रीनरी है यार, यहाँ कितनी ग्रीनरी है, देखो कितनी खूबसूरत है। और मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ बारिश भी नहीं है, ये निकाल देते हैं, गर्मी सी होने लगी है। वहाँ मनाली से जैसे ही नीचे आए ना, गर्मी मतलब उछल उछल के गर्मी अंदर आ रही है शरीर में। तो अभी चलते हैं ब्रिज के पास, एक आधी रील बनाते हैं। ओए ब्रिज हिल रहा है यार, ये ब्रिज हिल रहा है, शिट मैन ब्रिज हिल रहा है, ये यार ये ब्रिज हिल रहा है, अपने आप हिल रहा है। वाह वे, अच्छा ऊपर से आता है पानी, पहाड़ों पे से ऊपर से पानी आ रहा है और यहाँ पे आके मिल रहा है। ये देखो यहाँ पे इस पानी का कलर अलग है, जो ऊपर से ये मिट्टी का पानी आ रहा है उधर से साफ पानी आ रहा है। यार ये हिल रहा है देखो, कितना खूबसूरत नजारा है यार, कितना ही खूबसूरत। और वो सामने बाइक खड़ी है अपनी, मजे आ गए, मजे आ गए, मजे आए, हाय हाय मजे। यार क्या ब्यूटीफुल लोकेशन है, सच में मजा आ गया यार, ब्यूटीफुल लोकेशन है। और वो सामने खड़ी है अपनी बाइक, वो सामने कितनी दूर है हमसे, बहुत दूर बाइक है। जैसे ही इस ब्रिज पे वहां से कोई चढ़ता है, यहाँ से कोई आता है, तो ब्रिज ऐसे 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 हिलने लग जाता है तेज तेज। क्या लोकेशन है मैन, क्या लोकेशन है, और कितना ही फ्लो तेज है। आवाज पता नहीं मेरी रिकॉर्ड हो रही है नहीं, पर बट फ्लो बहुत तेज है पानी का, बहुत तेज। और वो सामने खड़ी है हमारी बाइक, कितनी दूर है हमसे। When they talk, but the last one they hear, eyes blurry, but I couldn't see that. Then he cleared down. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash, got snakes in the grass, no brakes on the head, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad tear, I'ma curb them all. 12 missed calls, and I still made a curtain call. He done light it up, lighten up. Hear him talking, they ain't right enough, tighten up. Everything that I came for, I left with. ये इतना गंदा स्लश है, इतना गंदा स्लश है, किसी भी टाइम यहाँ से क्या कहते हैं उसको, बाइक फिसल सकती है। और अपनी बाइक में ऑफ रोड टायर नहीं है, अपनी बाइक में ट्रैक टायर है भागने वाला, तो यहाँ के लिए ऑफ रोड टायर होना चाहिए वैसे। चलो कोई बात नहीं, अगली बार हम भी ऑफ रोड टायर डलवाएंगे अपनी बाइक में। ये देख लो बिल्कुल किचड़ है, बिल्कुल किचड़। और अभी हम ऑलमोस्ट मनाली से 105 या 110 किलोमीटर चल पड़े हैं। यहाँ से करनाल का रास्ता 310 किलोमीटर है अभी।
गाइस यहाँ पे लिखा हुआ 20 की स्पीड पे चलो, यहाँ 10 की स्पीड पे नहीं चला जा रहा बाइक पे। वो सामने शायद लैंडस्लाइड हुई है, उसकी वजह से ट्रैफिक है। यहाँ पहाड़ों में यार लैंडस्लाइड होती रहती है, किसी का कोई कसूर नहीं है। और ये जो काम करने वाले बंदे हैं उनकी भी बड़ी हिम्मत है यार, जैसे ही लैंडस्लाइड होती है ये बंदे अपना सामान लेकर जेसीबी लेके आ जाते हैं। ये देखो कुछ नहीं पता किस टाइम कहाँ से कौन सा कितना बड़ा और कितना छोटा पत्थर आके सड़क में गिर जाए, कुछ नहीं पता किसी को। इधर कहाँ जा रहे हैं? यहाँ कहाँ जा रहे हैं? इधर जाना हमने बाजार है ना मंडी का, चंडीगढ़ है यहाँ से 175 और करनाल रह जाएगा 125 से 24, मतलब 8 या 9 बज जाएंगे। कम से कम 70 या 80 किलोमीटर बाद चल के हम रुके हैं यहाँ पे सुंदरनगर से निकल के, और यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर लेते हैं, थकावट सी हो जाती है मतलब बैठे बैठे भी। बाइक चलाते रहो तो शायद इतना पता नहीं लगता है, 100-150 किलोमीटर भी खींचे जाते हैं, लेकिन पीछे बैठने वाले को पता लगता है यार। बाइक खड़ी है अपनी, क्या ही मस्त लग रही है। और जो ये लेह लद्दाख के फ्लैग लगाए हैं ना, इनसे तो 4 चांद लग गए हैं। ये देख लो, लुक एट दिस गाइस। और यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा है, पहाड़ हैं बट अब ख़त्म हो गए हैं, पहाड़ इतने नहीं हैं। और यहाँ का मौसम भी काफ़ी ठीक है, इतना वो तो ठंड तो अब इतनी है नहीं, और सन निकला हुआ है, ठंड तो कहाँ ही नहीं होगी, बट सड़कें एक नंबर है। ये जितना भी रास्ता है हमने सारा रात को कवर किया था, सारा टोटली रात को कवर किया था। रास्ता देखने को दिन में मिल गई कि रास्ता कैसा है, आपको पता ही लगा रास्ता कैसा था। सो गाइस हम रुके हैं बिलासपुर से 5-10 किलोमीटर आगे, और यहाँ से करीब 200 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, और यहाँ से शायद 225 किलोमीटर अभी हो गए करनाल। अगला जो है वो तो मतलब हो जाएगा, अगर जो सीधी सड़क है वो तो यार 1-2 घंटे में हम कवर कर देंगे। जो ये रास्ता है ना, ये ट्रैफिक वाला, ये बड़ा तंग करता है यार। बाकी ये अपनी बिस्ट, और अभी हम रुके हैं खाना खाने यहाँ पे। गाइस खाना पीना हो गया, यहाँ के टॉयलेट से क्या व्यू आता है पता है? दिखाऊँ? अभी दिखाता हूँ आपको, ये सामने टॉयलेट है, अब देखो व्यू। वाह जी वाह, क्या पहाड़ है यार, मज़े ही आ गए इनको देख के। तो वैसे तो 2-3 दिन से इन्हीं पहाड़ों में ही घूमे हम, और हमें भी ऐसा टॉयलेट चाहिए यार जो टॉयलेट से बाहर निकलते ही ऐसा व्यू आए। और शायद हमारी बाइक भी रेडी हो चुकी है, स्टार्ट हो गई है मतलब, चलें। चलो जी। सो गाइस अभी आपको एक झटका दिखाता हूँ, आगे सामने काफ़ी बड़ा ट्रक पलटा हुआ है, देख लो यार। ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और अब इसको सीधा किया जा रहा है। और ट्रक का भी नहीं पता, ये ट्रक का पीछे आ जाएगा, आगे ले हो ना आप, इसके साइड में इसके पीछे मत लो, या तो इधर लो या फिर उधर लो, इस ट्रक का नहीं पता कल पीछे आ जाएगा। अभी नहीं मेरा कुछ भी, ले लो पीछे ले लो। वैसे तो आगे है पुलिस, वो करवा रही है अपना काम, हटवा रहे हैं, बट हम थोड़ा पीछे जा रहे हैं, इस ट्रक का नहीं पता यार कब पीछे आ जाएगा, बस कई बार इनकी ब्रेक के रूम लगती है। और भाई पीछे जाम लग चुका है, काफ़ी बड़ा जाम लग गया, ये हट ही नहीं रहा यार। अच्छा सामने वाला, वो सामने वाला ट्रैफिक क्लियर हो रहा है, उसके बाद हमारी बारी आएगी। ये देखो यार ऐसे काम मत किया करो यार, पता नहीं कौन से नशे में किया है ये, पता नहीं सस्ते नशे कर रखे होंगे और ये काम हो गया है। अब इसको सीधा पता नहीं कैसे करेंगे, एक ट्रक से तो नहीं होने वाला है सीधा, ये देख लो। और ओ माय गॉड, इसमें तो दारू की बोतलें थी, सारी दारू फूट चुकी है, इसमें दारू की बोतलें थी। पहाड़ों में ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं यार, फिर से जाम लग गया यार, 2 मिनट चले जाम जाम जाम, अब फिर से दोबारा से सामने का ट्रैफिक क्लियर होगा और दोबारा से अब शुक्र है चल पड़ी सड़क, सॉरी सड़क कह रहा हूँ, शुक्र है चल पड़ा जाम। एक मिनट बोतल गिर गई, छोटो गिर बोतल जो भी मनाली आ रहा है गाइस देख लो, कार्य प्रगति पर है, जो भी मनाली आ रहा है देख लो, और जो नहीं आ सकता है तो उनको ये पहाड़ हम दिखा देंगे। देख लो यार बाइक पे कितना सामान लोड कर रखा है बंदों ने, कितना गलत चल रहे हैं थोड़े सा, कितना सामान लोड कर रखा है इन बंदों ने, कितना सामान बताओ, इतना सामान और पिलियन किया। सो गाइस फाइनली हम
बराबर सड़क पे आ गए हैं। अब इसके बाद पहाड़ी इलाका सारा ख़त्म हो गया और मनाली से यहाँ तक मैं पीछे ही बैठ के आया हूँ, मैंने नहीं चलाई। जाते टाइम तो मैं ही ले गया था सारा रास्ता, आते टाइम मैं यहाँ आके अब चलाऊँगा बाइक। और पीछे बैठे बैठे थक गया हूँ यार सच बताऊँ तो, वरना तो मैं चलाता ही ना, लेकिन अब चलाऊँगा। और ये कुछ इस तरह सड़क और सामने का सनराइज़ देखो कितना ही प्यारा लग रहा है, वाह जी वाह, मज़ा आ गया गाइस।